मेरा सभी किसान साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जैमप्रो के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो किसान साथी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सूचना आप तक पहुंच जाए। वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि जो किसान साथी हमारे चैनल को अभी तक नहीं देख पाए हैं वो किसान साथी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से खेती किसानी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैमप्रो क्या है, जैमप्रो के क्या क्या फायदे हैं, जैमप्रो का मोड ऑफ एक्शन क्या है, जैमप्रो का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जा सकता है, जैमप्रो का इस्तेमाल कौन कौन से रोगों को नियंत्रित करने में किया जाता है, जैमप्रो का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, जैमप्रो की खुराक प्रति एकड़ कितनी होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पर आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए बात करते हैं जैमप्रो क्या है। जैमप्रो नए जमाने का एक नया फफूंद नाशक उत्पाद है जो सब्जियों की खेती करने वालों के लिए एक बेहतरीन फसल सुरक्षा प्रदान करता है जिससे अच्छा उत्पादन मिलता है। इसका इस्तेमाल बीमारी आने से पहले यानी प्रिवेंटिव में किया जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हालांकि इसका इस्तेमाल बीमारी आने के बाद यानी क्यूरेटिव में भी किया जाता है। ये फफूंद को आसानी से नियंत्रित कर लेता है। इसके इस्तेमाल से फसलों में प्रतिरोध विकास नहीं होता है बल्कि ये उत्पाद प्रतिरोध विकास को तोड़ने का भी काम करता है जिससे एक नई फसल को आसानी से उगाया जा सके और बेहतर पैदावार हो सके, क्योंकि जैमप्रो कवकनाशी में बेहतर प्रतिरोध प्रबंधन के लिए कार्रवाई के दो तरीकों से मिलकर बना है। क्योंकि एक खेत में एक ही उत्पाद को बार बार इस्तेमाल करने से प्रतिरोध विकास बढ़ा है, इसलिए कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का इस्तेमाल बदलकर खेतों में करना चाहिए। ऐसा करने से कीट और फफूंद को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आइए बात करते हैं जैमप्रो के क्या क्या फायदे हैं। जैमप्रो गुणवत्तापूर्ण लाभ के साथ फसलों को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है जिससे एक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलता है। ये ओमिसाइकेट्स के संक्रामण चरणों के खिलाफ बहुत उच्च आंतरिक प्रभावकारिता दिखाता है। जैमप्रो का स्प्रे करने के बाद यदि दो घंटे के बाद बारिश हो जाए तो ये पत्तियों से धुलता नहीं है और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है जिससे उपज में बढ़ोतरी होती है। ये बीमारियों जैसे डाउनी मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट के खिलाफ जेड सुरक्षा प्रदान करता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रबंधन के लिए नवीन उपकरण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है जिससे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से भोजन ज्यादा बनाते हैं। पौधे स्वस्थ व मजबूत और हरे भरे रहते हैं। जैमप्रो उत्पाद को पीजीआर या अच्छी गुणवत्ता वाले कीटनाशकों के साथ मिलाया जा सकता है। जैमप्रो के इस्तेमाल से पौधों में नई पत्तियों का विकास तेजी से होता है। बीमारियों से ग्रसित पौधा दोबारा बीमारी से मुक्त हो जाता है। फसलों में किसी भी प्रकार का दबाव या स्ट्रेस दिखाई नहीं देता है बल्कि ये एक फाइटोटॉनिक का काम करता है। जैमप्रो उत्पाद पर्यावरण के उद्देश्य से सुरक्षित है। आइए बात करते हैं जैमप्रो का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी ये फफूंद पर कैसे कार्य करता है। जैमप्रो उत्पाद BASF कंपनी का एक बेहतरीन उत्पाद है जो फफूंद पर बहुत अच्छा काम करता है। इसमें दो टेक्निकल का कम्बिनेशन यानी दो सक्रिय घटकों के साथ मिलाकर तैयार किया गया है। इसमें डीमेथामॉर्फ और इनिटियम यानी एमेटोक्ट्रेडिन का संयोजन है। इनिटियम माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन को रोक देता है जिससे फफूंद प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है और अंत में मर जाता है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ऊर्जा उत्पादन को बाधित करता है। ये पौधों की मोमी कोटिकुल को तेजी से और मजबूती से बांधता है जबकि डीमेथामॉर्फ लिपिड झिल्ली संश्लेषण और कोशिका भित्ति निक्षेपण में बाधा डालता है जिसके कारण फफूंद का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है और अंत में फफूंद पूरी तरह समाप्त हो जाता है। डीमेथामॉर्फ घटक एक एंटी स्पायरुलेंट का काम करता है जिससे फफूंद के बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं और ये फफूंद की कोशिकाओं की दीवारों को तोड़कर रोग को नियंत्रित करता है।
आइए बात करते हैं जैमप्रो का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जा सकता है। जैमप्रो का इस्तेमाल मुख्यतः अंगूर, टमाटर, आलू और कद्दू वर्गीय फसलों में और बेल वाली फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए बात करते हैं जैमप्रो का इस्तेमाल कौन कौन से रोगों को नियंत्रित करने में किया जाता है। जैमप्रो उत्पाद का इस्तेमाल डाउनी मिल्ड्यू, पछेती झुलसा इत्यादि रोगों को नियंत्रित करने के लिए इसकी सिफारिश की जाती है। आइए बात करते हैं जैमप्रो का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। फसलों में रोगों के लक्षण दिखाई देने से पहले इस्तेमाल करने से फसलों में एक बेहतरीन फसल सुरक्षा प्रदान करता है। सुबह और शाम के समय इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। अगर तेज हवा चल रही हो तो फसलों पर छिड़काव ना करें। जैमप्रो पौधों में 2 घंटे के अंदर प्रवेश कर जाता है, इसलिए जैमप्रो का फसलों पर स्प्रे करने के 2 घंटे बाद यदि बारिश हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होता है। इस फफूंदनाशक का इस्तेमाल पत्तियों पर स्प्रे करने के लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल मिट्टी पर नहीं किया जाता है। इसका छिड़काव फसलों पर मैनुअल और ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर यंत्र से होलोकोन नोजल के जरिए किया जा सकता है। जैमप्रो का छिड़काव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में नमी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि पूरी फसल को कवर किया जा सके। फसलों में स्प्रे करने के बाद फसलों में फलों की तुड़ाई का अंतर अलग अलग फसलों में अलग अलग होता है, जिसे वेटिंग पीरियड कहा जाता है। जैसे अंगूर में 34 दिनों का, ककड़ी और खीरे में 7 दिनों का, आलू में 32 दिनों का और टमाटर में 3 दिनों का अंतर होना चाहिए। जैमप्रो का इस्तेमाल प्रोफाइलैटिक के रूप में किया जा सकता है। जैमप्रो का इस्तेमाल बीमारी की स्थिति के आधार पर 3 से 4 छिड़काव किए जा सकते हैं। जैमप्रो के साथ यदि कोई कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक अच्छी गुणवत्ता वाला कीटनाशक इस्तेमाल करें। ये उत्पाद जलीय जीवों के लिए हानिकारक होने के कारण जलाशयों या मछली उत्पादन वाले क्षेत्रों में प्रयोग ना करें। किसी भी प्रकार के उत्पाद का इस्तेमाल करने के बाद डिब्बों या बोतलों को नष्ट कर देना चाहिए। जिस दिन तेज हवा चल रही हो या कुछ घंटों के भीतर बारिश होने की संभावना है तब छिड़काव ना करें। छिड़काव की वाष्प के बहुत ज्यादा या बार बार संपर्क में आने से बचने के लिए हवा की दिशा में छिड़काव करें। जैमप्रो उत्पाद की खुराक को कम या ज्यादा ना करें, सही समय पर इसका इस्तेमाल करें। किसी भी उत्पाद का घोल बनाने के लिए उत्पाद की मात्रा और पानी की मात्रा बताई गई मात्रा के अनुसार होना चाहिए। इससे एक बेहतरीन सांद्रण बनता है और उत्पाद का रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं जैमप्रो की खुराक प्रति एकड़ कितनी होनी चाहिए। जैमप्रो की खुराक 400 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बात करें प्रति लीटर पानी की दर से खुराक कितनी होनी चाहिए, जैमप्रो की खुराक 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगर बात करें जैमप्रो की पैकिंग साइज कितने प्रकार की होती है, जैमप्रो उत्पाद की पैकिंग साइज 1 लीटर, 400 ml और 200 ml की पैकिंग साइज में उपलब्ध है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।